केंद्रीय श्रमिक संगठनों व कर्मचारी संघ यूनियन के संयुक्त आह्वान के तहत पानीपत जिला में रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा लोकसभा में पेश किया गया मजदूर कर्मचारी विरोधी लेबर कोड को तुरंत वापस लेने व सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की मुहिम को तुरंत रोका जाए। कर्मचारी यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस बिल को रद्द करने की मांग की है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व वाले मोदी सरकार के ट्रेड यूनियन अधिकारों और श्रम कानून को पूंजीपतियों के हित में बदलने और खत्म करने के खिलाफ 23 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास किए गए दो बिलों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला वर्कर व अन्य लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और तुरंत इस बिल को रद्द करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा। वहीं महिला स्कीम वर्करों ने भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व अन्य सुविधाएं देने के लिए सरकार से मांग की। ये पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार ने 23 जुलाई को मजदूर कर्मचारियों के खिलाफ एक संसद में बिल पेश किया, जिसमें 44 श्रम कानूनों को ख़त्म कर केवल 4 श्रम कानूनों में बदल दिया, जिसमें तमाम जो मजदूरों के कर्मचारियों के हक, जो कच्चे कर्मचारी हैं, न्यूनतम वेतन के दायरे से और श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। करोड़ों मजदूरों का इच्छा नुकसान होगा, कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को नुकसान होगा। सनी तुषीर संघ, दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।